मॉर्निंग गाइस, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो अभी मेरा सुबह हो चुका है, मैंने नहा लिया और अभी मैं बना रही हूँ सब्जी। सबसे पहले तो मेरे गणेश जी के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे गणेश जी का पूजा हो चुका है और मेरे हस्बैंड और आशु दोनों गए हैं नीचे, क्योंकि कचरा गाड़ी आया है तो कचरा डालने गए हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ, यहाँ पे देखिए। सो गाइस, यहाँ पे हमारा ब्रोकली आलू को फ्राई कर रही हूँ मैं और फिर हमारा सब्जी बना रहे हैं धीरे धीरे। देखिए ब्रोकली और आलू का सब्जी, इसमें पालक भी ऐड करूँगी मैं। अभी पालक भी मैंने काट के रख लिया है। सब्जी हाँ जी बना रहे हैं जी। यहाँ पे मेरा बेटा मेरे को परेशान कर रहा है कि वीडियो बना रहे हैं। अभी ढक के पका रहे हैं थोड़ा देर। यहाँ पे मैंने पालक भी ऐड कर दिया था, मैंने बाद में दिखाया। पालक आलू और ब्रोकली, हमने कुछ भी इसमें मसाला ऐड नहीं करना है, बस ऐसे ही गांव की स्टाइल में, जैसे सब गांव में साग कैसे बनाते हैं ना, ऐसे ही बस बना रही हूँ मैं। और वैसे भी साग में तो मसाला डालने से अच्छा लगता नहीं है। हाँ, इसमें मैंने लहसुन और सूखी मिर्ची का तड़का दिया था और प्याज डाला था बस, और पालक। इसमें अदरक लहसुन भी ऐड कर सकते हैं आप लोग, करना है तो। मैं इतना कुछ खास मसाला नहीं यूज़ की हूँ, बस ऐसे ही नॉर्मल सिंपली बना लेते हैं। अच्छे से फ्राई करके इसको ढक के पकाएंगे, पक जाएगा। सो गाइस, आप लोग भी ट्राई कीजिए, आलू पालक और ब्रोकली बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में। ये ब्रोकली है, आलू और पालक, और देखिए मैंने टमाटर सेंटर में डाला है। एक एक किचन टिप्स सेंटर में डालने से टमाटर बहुत अच्छा से पकता है, आप लोग देख सकते हो। इसको ऐसे ऐसे इससे खिलाएंगे ना तो बहुत अच्छा से एकदम से गल जाता है। सो गाइस, अभी हम लोग आए हैं ऊपर, मतलब कि मैं अकेली आई हूँ। आंसू तो नीचे है, उसको बुलाए पर वो आए नहीं। तो अभी देखिए यहाँ मस्त थोड़ा सा धूप निकला है। मैं आई थी ऊपर कपड़ा देखने आंसू का, तो आंसू का कपड़ा अभी सूखा नहीं है, थोड़ा थोड़ा गीला है। और मेरा सब्जी अभी बन चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा धूप ले लेते हैं। इधर देखिए बेंगलोर अभी कितना, उधर पूरा धुआं धुआं है, कोहरा जैसा। तो गाइस, धूप मस्त लग रहा है ऊपर में। और अभी देखिए यहाँ टैंक में पानी भर रहा है, और इधर उधर जो बिल्डिंग्स है ना, वो सभी बिल्डिंग्स दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ठंड की वजह से धुआं पड़ गया है, धुंधला लग रहा है, तो बिल्डिंग्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे टैंक में पानी भर रहा है, दो टैंक है हमारे बिल्डिंग में, 9 रूम है ना, तो इतना बड़ा बड़ा टैंक रखना पड़ता है। तो देखिए ओनर इतना बड़ा बड़ा टैंक लगवाया है, 1500 लीटर का है एक एक। और इधर देखिए सूरज कितना मस्त चमक रहा है, इधर से नीचे का नज़ारा देखिए। इधर सीट का रूम है, सब लोग ड्यूटी जा रहे हैं, टाइम हो गया ड्यूटी जाने का। इधर गवर्नमेंट्स है ना, तो उधर ही जा रहे हैं सब लोग ड्यूटी। अब भी आया है कचरा गाड़ी, उधर आवाज़ आ रहा है, इधर से तो चला गया। मेरे हस्बैंड गए थे डालने, डाल के आ गए, और मैं सुबह आके इधर वॉकिंग करके चली गई हूँ, बट आज मैं योगा नहीं की हूँ, तो बाद में कर लेंगे। अभी तो नाश्ता किए नहीं है, नाश्ता करने से पहले ही कर लेंगे। तो देखिए कितना मस्त धूप, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो देखिए अभी आंसू महाराज जी का दर्शन हुआ है ना। आंसू भागा था कहाँ पता नहीं, अभी आया है। कहाँ गए थे आंसू? और देखिए पापा क्या कर रहे थे, पापा देखो दाढ़ी बना रहे थे, सेविंग कर रहे थे, पापा सेविंग कर रहे थे ढूल करके ट्रिमर से। इधर देखो ना आंसू, हम भागो, देखो आंसू डर रहा है। और गाइस मैंने सुबह रंगोली बनाया था, पूजा भी किया। और देखिए आंसू नहीं पकड़ना, हाथ कट जाएगा। तो गाइस हम लोग खाना निकाल रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। अभी सुबह का नाश्ता, आटा तो नहीं था तो मैंने चावल ही बना लिया, क्योंकि आंसू को लग रहा है भूख, तो खा लेते हैं। आंसू देखिए आंसू कैसे, आंसू को तो भूख लगता है ना। आंसू को भूख नहीं लग रहा है क्या? देखिए मुंह भी नहीं धोया है, लग रहा है देखो। नहीं आंसू मुंह धो लिया है, बट उसका चोटी करना बाकी है, इसीलिए आंसू ऐसा दिख। और मुंह में देखो क्या लगा है, उसके बुआ के यहाँ से क्या खा कर आया है, और खुशबू बोल रहा है, खुशबू इधर सब्जी का खुशबू बोल रहा है। आंसू है ना, चिपड़ भी नहीं निकला है। यहाँ पे मैंने ब्रोकली,
ब्रोकली, पालक और आलू, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके सब्जी बनाई है। ये देखिए ब्रोकली है, आलू है, पालक है, बहुत इसीलिए आंसू बोल रहा है खुशबू, क्योंकि अच्छा लग रहा है ना इसीलिए। तो आंसू आइए, अब आंसू को खिलाते हैं, आंसू को भूख लग रहा है, इधर साइड में रख देते हैं। हाँ आंसू हाथ धोयो, पहले हाथ धो के आ जाओ, मम्मा तो हाथ धो ली है, जाइए वहाँ पर बेसिन पे धोकर आना, जाइए आंसू को खिलाते हैं पहले। खिला देंगे, हाँ खिला देंगे, खिला रहे हैं। आप ब्रोकली खाते हो ना? ब्रोकली खाते हैं। ब्रोकली खाता है आंसू जी। इधर देखो ना, इधर कल गए थे मार्केट तो वहीं से लेके आए, कल मार्केट में कुछ भी सब्जी नहीं मिला है ना आंसू। और टमाटर 50 रुपए किलो, एक ही बार में एक ही रात में 50 रुपए किलो हो गया, बाप रे। और गांव में 5 रुपए किलो है। मैं अभी हम लोग फोन किए थे मम्मी को, तो मम्मी बोली कि 5 रुपए किलो है गांव में टमाटर, और बेंगलोर में देखिए हम लोग 50 रुपए किलो में टमाटर खा रहे हैं, सब्जी भी बहुत महंगा हो गया है ना आंसू। ए गंदे लड़के, नीचे गिरा हुआ नहीं खाते छी, ये लड़का ना इतना बड़ा हो गया फिर भी समझता नहीं, इसको बोलते हैं नीचे वाला नहीं खाओ। आइए आइए ना, इसका इसको ब्रोकली खिलाते हैं, ठीक है? आंसू को तो ब्रोकली पसंद है, देखो अब कैसे खाएंगे। बोल दो ब्रोकली, आंसू को सब्जी का नाम पता है ना? लीजिए लीजिए ब्रोकली, ब्रोकली तो है, खा लीजिए। नहीं, नहीं, नहीं। अब खाना क्यों नहीं खाते हो? हाँ फिर डांट के खिलाएंगे बोल रहे हो, गाली दे रही मम्मा, फिर बोलेगा आंसू की मम्मा मारती है। देखिए कैसे खा रहा है पकड़ के, नम 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 नम, पापा जा रहे नहाने। गाइस आइए आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग खा रहे हैं। तो गाइस अभी तो आंसू के पापा चले गए काम पे, और देखिए आंसू यहाँ पे कैसे हैं, बाल चोटी बनाऊंगे बोल रहे हैं, चोटी भी बनाने नहीं दे रहा है ना, बिस्किट पकड़ा है। तो गाइस आज का हमारा व्लॉग यहीं तक बस, तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।